नमस्कार, अभी तक भारत चैनल में आपका स्वागत है। खबर बरहेट प्रखंड से है, जहां सीएम प्रतिनिधि सह झामुमो केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा जी ने कई योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस मौके पर काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने इस बीच 28 गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों से विचार विमर्श कर उनके उत्थान के लिए योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता के लिए मुख्यमंत्री स्वयं प्रयासरत हैं और कोई भी समस्या हो, छोटी बड़ी जो भी समस्या हो, उनके स्तर से जो समाधान हो सकता है वे करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे। आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आम लोगों की सरकार है, इस सरकार में किसी तरह की परेशानी किसी को नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने 28 गांव के मदरसों के लोगों को मिलकर उनके समस्याओं को सुना एवं समाधान करने का प्रयास किया। आइए सुनते उन्होंने क्या कहा। सब सब भी आपकी समस्या भी सुनेंगे और आपकी समस्या का ऑन द स्पॉट निदान करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके विधायक जी सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं, आपकी भी उम्मीदें हैं कि हमारे बीच में हमारे विधायक आकर बैठते, हमसे रूबरू होते, लेकिन चूंकि उन्हें पूरा झारखंड राज्य देखना है, 24 जिला देखना है, वो बीच बीच में आते भी हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं को शिलान्यास भी करते हैं, रात्रि विश्राम भी करते हैं और जो लोग चाहते हैं उनसे मुलाकात भी होती है। इसके बावजूद भी अगर कोई आपकी छोटी मोटी ऐसी समस्याएं हैं तो चूंकि मैं उनका सेवक हूं प्रतिनिधि की हैसियत से, मुझे इसीलिए बनाया गया है कि मैं आपके बीच में आपकी दुख दर्द को समझूं, आपकी सब उनकी भी स्वीकृति, हम आपके हरेक सुख दुख में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी आपके लिए है। जाने अनजाने में अगर कहीं कुछ गलतियां हो जाती हो तो मेरा भी आप तमाम लोगों से अनुरोध है, आप लोग भी अपना सुझाव हमें दें। हम हरेक शुक्रवार को बरहेट प्रखंड मुख्यालय में बैठते हैं और इसलिए बैठते हैं, यहाँ की समस्याओं को लेकर बैठते हैं कि जिस आदमी की भी समस्या हो बेहिचक मेरे कार्यालय में जाकर अपनी समस्या रख सके। अगर आपके गांव में वैसे लोग जो विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन से वंचित है, हम आप तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप वैसे लोगों का फॉर्म भराकर ब्लॉक में या मेरे पास जमा करें, ताकि कोई भी किसी भी जात धर्म का लोग, चाहे विधवा हो या वृद्धा हो, वो पेंशन से वंचित नहीं। ये हमारी सरकार की ये सोच, और भी अगर आपकी कुछ समस्या है, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी समस्या को आप रख सकते हैं, मैं आज आपकी समस्या को भी सुनने के लिए हूं। और अगर समय समय पर आवश्यकता पड़े तो आप लोग बैठक बुलाइए, कोई भी अगर बड़ी छोटी समस्या है तो उस बैठक में आप बरहेट प्रखंड के प्रायः सभी, हमने सूचना किया था कि सभी बरहेट प्रखंड के जितने भी अल्पसंख्यक गांव है वहां से 4-5 आदमी कर बुलाया जाए, क्योंकि मेरा भी प्रयास है
और यहाँ के स्थानीय विधायक सुनने के मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास है कि हम कुछ अल्पसंख्यकों के लिए भी नया काम करें। आप इसके पूर्व भी देख रहे हैं कि हमारे विधायक निधि से, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के विधायक निधि से जितना भी हो सका हमने इस मदरसे को चार चांद लगाने का काम किया। चाहे बाउंड्री वाल हो, गेट हो, भवन हो, सीसी रोड हो, छात्रावास की समस्या हो, मुझे आज इस मदरसे में आने के पहले और अभी भी एक पीड़ा जरूर हो रही है कि जिन्होंने हमसे लड़कर इस मदरसे का उत्थान कराया उनका बहुत बड़ा सहयोग है, वो आज हमारे बीच नहीं है। निश्चित रूप से हमें आज इस मदरसे में आने के बाद कमी खल रही है, क्योंकि हमने बहुत बार आया है उनके प्रयास से, उन्होंने लड़कर भी, बातें कर भी इस मदरसा का जो भी उत्थान हुआ, जो भी विकास हुआ, उसमें हमारे जनाब जो हमारे बीच नहीं है उमेद अली जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैं आज उनको नम्र आंखों से उनको याद करूं। इसके बाद मैंने कदमा के मदरसे में भी वहां भी देने का काम किया। बरहेट प्रखंड के जितने भी अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र हैं, गांव, मैंने लगभग सभी जगह सामुदायिक भवन भी विधायक निधि से देने का काम किया। अभी भी एक जगह हमने टीओ टोला में 5 लाख के लागत से शिलान्यास किया। इसके पूर्व भी हमने खैरवा,